गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अभी हमने वो स्वतंत्रता की ओर इस पाठ का पूरा पढ़ाई किया है, उसका प्रश्न उत्तर भी हमने देखा है। मैंने नोट्स भी भेजा है अपने, कहीं स्टूडेंट ने लिख के भी भेजा है, जिन्होंने भेजा नहीं वो जरूर भेज दीजिए। और देखो अभी आखिरी पन्ने पे, पन्ना नंबर 77 पेज पे हम देख रहे थे चांद की बिंदी। अभी चांद की बिंदी क्या होती है, चांद कैसा होता है, चांद होता है ऐसे और उसके ऊपर की बिंदी ये मात्रा है। तो मात्रा सीख, इससे पहले भी लोगों ने वर्णमाला सीखी है, उसमें स्वर व्यंजन और संयुक्त स्वर आते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, वर्णमाला क्या होते हैं, तभी ये चांद की बिंदी और ये बिंदी जो है इसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो एक के नीचे एक बिंदी आती है उसे विसर्ग कहते हैं। ऐसा ही क्यों है ये हमें आज देखना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला देखने से पहले भी भाषा कैसी बनती है, भाषा किसे कहा जाता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, इसकी जानकारी थोड़ी लेते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, वो दूसरों के सामने प्रकट करना, उनको समझाना, इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, अपनी सोच अपने विचार दूसरों को समझ में आए, इसे भाषा कहते हैं। तो भाषा बनती कैसी है, शिवकालीन में एक शिवकालीन है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके, वो जब उन्होंने अपना स्वराज्य निर्माण किया था, तभी ऐसे ही वो स्वराज्य निर्माण नहीं हुआ था, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो स्वराज्य के बीच में आ रहे थे उनको हटा के अपना खुद का राज्य बनाया था। तभी उनके पास कई लोग ऐसे थे वो सांकेतिक भाषा बोलते थे, सांकेतिक यानी कि गुप्तहेर, जिसे बोलते हैं गुप्तहेर जासूस, वैसे वो लोग थे। वो कुछ इशारे पे बात करके कुछ इशारे करते थे और वो सामने वाला समझ जाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है या वो क्या कहना चाहता है ना। वैसे हर बात हमें ऐसे हाथ वारे करके या हाथ हिला के नहीं बता सकते। अगर आपको पानी चाहिए तो आप क्या करते हैं, ऐसे एक बार किया तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको पानी की जरूरत है ना? ऐसे करेगा तो समझ जाएगी कि चाय मांग रहा है ना? ये सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन अभी भी इससे आगे और भी कुछ कहना है तो पूरा आप ऐसे ही हाथ हिला के कुछ इशारे करके नहीं बोल सकते, इसलिए भाषा बनाई गई। तो भाषा बनी कैसी, कोई भी भाषा अगर उसका संभाल करना है, भाषा जतन करके रखनी है, तो उसको चिन्ह में डिनोट करना पड़ता है, यानी कि चिन्ह में बांध के रखना पड़ता है। तो वही है वर्ण, उसे ही वर्ण कहते हैं। वो जो भाषा के वर्ण यानी कि चिन्ह बना के रखे हैं उसे ही वर्ण कहते हैं। वैसे अपने देश में, पूरे देश में 7000 से ज़्यादा भाषा बोली जाती थी, भाषा थी इतनी। लेकिन क्या हुआ, अब उन्हें चिन्ह में डिनोट, कई भाषा अभी 3000 से ज़्यादा, मतलब 3 से 4 हज़ार तक भाषा अभी ख़त्म हो गई, मतलब गई, उनका लोप हो गया, नामों निशान के साथ वो मिट गई। क्यों मिट गई, कि क्योंकि उन्हें चिन्ह में डिनोट करके रखा नहीं, बांध के रखा नहीं। अगर कोई भाषा जतन करनी है, उसको संभाल के रखनी है, तो उसे चिन्ह में डिनोट करके या बांध के रखना जरूरी है। इसलिए भाषा जिस चिन्ह में डिनोट की जाती है या बांध के रखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। अभी हिंदी और मराठी भाषा एक जैसी है, यानी कि उनकी लिपि जो है वो देवनागरी है,
लेकिन वो हिंदी और मराठी भाषा स्वतंत्र नहीं है, उन्हें खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है, उनका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं, तो वो आई कहां से? वो संस्कृत के रूप है, दोनों भी भाषा संस्कृत जो देवनागरी लिपि में लिखी है वही देवनागरी में हिंदी और मराठी का चिन्ह जो है वो वही चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, अभी देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। अपने मुंह से जो मूल ध्वनि निकलती है, प्रथमतः हम आवाज निकलते हैं। अभी हाथी बच्चा जब छोटा बच्चा अपने घर में है तो उसे बोलने कैसे बोलने सीखता है वो, जो बड़े लोग जो बात करते हैं, अगर लोटा कहते हैं, पानी का गिलास कहते हैं, बाहर जाएंगे तो गार्डन में फूल खिलता है उसे दिखाते हैं, वो देखो फूल है, तभी उससे ये जो ऑब्जेक्ट है वस्तुएं हैं उनकी पहचान पहले करवाते हैं, तो वो अपने आप बोलना शुरू करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जो अपनी माता जो भाषा बोलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। वैसे ही हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिस प्रांत में जिस घर में हम रहते हैं उस घर में जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं, यानी कि अपनी माँ की भाषा। राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा है लेकिन अभी तक वो इतना साबित नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्वतंत्र भाषा है ही नहीं है। हिंदी स्वतंत्र भाषा है क्या? नहीं है, वो संस्कृत की पोट भाषा है हिंदी और मराठी में। उसके वर्ण कैसे हैं? उनके वर्ण जो है ये लिखे हैं वो देवनागरी है, यानी कि वो संस्कृत के है। तो हम देख रहे हैं वर्णमाला कैसी बनी है, हमारे मुंह से जो मूल ध्वनि निकलते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो देखो इस वर्णमाला के तीन हिस्से है, तीन भेद है, तीन प्रकार है इसके, भाषा प्रकार प्रकार से ही बनी जाती है। तो स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला के तीन प्रकार है, स्वर, व्यंजन और संयुक्त स्वर। स्वर, व्यंजन और संयुक्त स्वर। अरे स्वर किसे कहा है, स्वर जिन्हें कहा जाता है वो स्वतंत्र है, जिनका उच्चार स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। अभी स्वतंत्र कैसे, तो उच्चार करके दो, देखो अ आ ई ई उ ऊ रु ये ऐ ओ औ, अम आहा ये इसमें नहीं आता है। हाँ अम ये स्वराज जिसे कहते हैं ये अनुस्वार है, अनुस्वार अम और आ ये विसर्ग, इसके बाद ह जैसा उच्चार आता है आहा, अम आह ये स्वरादि है, इनके बारे में हम बाद में देखते हैं, ये स्वर में नहीं आता है। इन्हें स्वरादि क्यों कहा है, क्योंकि स्वर इनसे पहले आता है, आदि आता है, इसके बाद वो अनुस्वार आती है, इसलिए स्वरादि कहा है। अभी इनकी मात्रा देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र होता है और स्पष्ट होता है, इन्हें दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र यानी कि किसी और की जरूरत नहीं है उसे स्वर कहा है, इन्हें व्यंजनों की जरूरत नहीं होती है इसलिए इन्हें स्वर कहा है। अभी दूसरी एक डेफिनेशन देखो, अपनी जीभ जो है, मुंह में जीभ है, दांत है, तालु है, ओठ है और अपना गला है, गला है, इसके आधार से इसके सहायता से अपने मुंह से ध्वनि निकलती है। ध्वनि ऐसे ही निकलती है क्या? नहीं, गले से कुछ हवा आती है, आवाज आता है और उसे आकार दिया जाता है। जब अपनी मुंह में जीभ है, दांत है, ओठ है, इनके आधार से हम उसे ध्वनि को आकार देते हैं, तभी मूल ध्वनि अपने मुंह से जो निकलती है उसे ही वर्ण कहा है। अभी देखो अपनी जीभ मुंह में किसी अन्य जगह पे टच यानी कि लगती नहीं और जिस वर्णों का उच्चार होता है उसे स्वर कहा है।
अभी उच्चार करके देखो, अपनी जीव एक ही जगह पे रहेगी, किधर मुंह में इधर उधर टच नहीं करेगी या स्पर्श नहीं करेगी। अपनी जीव जब मुंह में किसी और किसी जगह पे स्पर्श नहीं करती है और जिस वर्णों का उच्चार होता है उसे स्वर कहा जाता है। अ आ ई ई ऊ ऊ रु ए ऐ ओ औ। देखा, जीव वही की वही रह रुक जाती है, यानी कि किधर भी वो टच नहीं होती। अब वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं? अपनी जीव जिन वर्णों का उच्चार करते समय मुंह में किधर ना किधर चिपक जाती है, किधर ना किधर लगती ही है और उनकी सहायता लेके, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है, इनको इनका खुद का अस्तित्व नहीं है, ये स्वरों का आधार लेके ही बनते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो स्वतंत्र, जो वर्ण स्वतंत्र नहीं है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन इनकी ऐसी बनती है, जीव मुंह में इनका जिस वर्णों का उच्चार करते समय अपनी जीव मुंह में किधर ना किधर लग ही जाती है, उस वर्णों को व्यंजन कहते हैं। आए समझ में? ये अधूरे है, व्यंजन अधूरे है, क्योंकि ये स्वर के बिना नहीं बनते। अभी स्वर के बिना क्यों नहीं बनते? अभी समझो आपको क लिखना है, क्या लिखना है? क लिखना है। अभी क क कैसा, क का उच्चार करके देखो, क के बाद अ आता ही है, क अ तो कैसा बनता है? क क जोड़ अ तभी बनता है क। अभी आपको बनाना है गा, गाता रहे मेरा दिल, गा लिखना है, गा। गा कैसे लिखेंगे आप? ग जोड़ आ, आ ये स्वर आएगा, आ क्या आएगा? आ, ग जोड़ आ तभी बनेगा गा। अभी हाथी, हम बच्चा जब घर में बोलना सीखता है, अब गली में हाथी जा रहा है तो देख के बोलता है ओ हाथी, हाथी कैसा, हाथी ऐसे ही लिखा है कि हम ही क्या आता है, हाथी हम कैसे लिखते हैं? हा ती लिखते हैं। तो इसमें दो ही अक्षर आते हैं, अक्षर वर्ण और स्वरों को मिला के अक्षर बनता है, वो आगे देखना है। तो हाथी लिखना है, तो हाथी का कैसा कैसा आता है देखो, हा ह जोर आ जोर त जोर ई, ये रस्व और दीर्घ, उसमें स्वर के और भी प्रकार आते हैं, वो रस्व और दीर्घ वो आगे देखना है। तो हाथी बनता है, हाथी कैसे बनता है? तो हाथी लिखने के लिए हम इतना लिखेंगे क्या? इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इतना लिखने की जरूरत? क्योंकि स्वरों को भी हमने कुछ और चिन्हों में डिनोट किया है, स्वर और व्यंजन मिलके अक्षर बनता है, स्वर और व्यंजन मिलके अक्षर बनता है। तो हमें क्या करना है देखो, इस स्वरों को भी कुछ चिन्ह में डिनोट किया है, कुछ चिन्ह दिए है, वो चिन्ह कौन से है? तो देखो, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ की मात्रा नहीं आती। आ की मात्रा कैसे लिखी जाती है? तो आ की मात्रा है ये, आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा। अभी ई की मात्रा है, ये पहली और दूसरी, रस्व और दीर्घ, इसके भी दो प्रकार है, रस्व और दीर्घ। अभी देखो, ये है रस्व और ये यहां से वहां होती है वो रस्व, और दीर्घ होती है ये यहां से यहां होती है, मात्रा ई की मात्रा, ये है दीर्घ, रस्व दीर्घ क्षा। अ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा यहां से उधर आधा वो होता है, रस्व ये रस्व है, ये दीर्घ है। अभी ऊ की मात्रा, ये रस्व है और ये दीर्घ है, आ रहा है समझ में? अभी रू, रू सिर्फ ऐसे करते हैं, रू की मात्रा ऐसी होती है। अभी
ए, ए की मात्रा ऐसे होती है, ए की मात्रा है, यानी कि ये चिन्ह दिया है। क्योंकि अभी हाथी लिखते समय हमें कितना लंबा लिखना पड़ा और हाथी वर्ड कैसा है, इतना ही दो ही अक्षर है हाथी, ऐसा ही है, उसे लिखते समय हमें चार अक्षरों का करीबन इतना लंबा लिखना पड़ा, तो वो नहीं होता है। तो ह को आ की मात्रा आई, हा हुआ ती, त को ई की मात्रा आई, तो हाथी बन गया। तो ओ कैसे लिखते हैं, ओ की ये मात्रा है और ओ ये ओ की मात्रा है, सभी हाँ। तो ये चिन्ह जो दिए हैं इनको, ये इनके मात्रा है, ये वो है मात्रा। अभी ये इससे क्या हुआ, व्यंजन अधूरे क्यों है, क्योंकि ये स्वर के बिना अधूरे है, स्वर अगर नहीं उसमें मिल जाता है तभी व्यंजन नहीं बनता है। अभी ख के बाद भी अ आता है, अभी गा लिखना है तो आ की मात्रा आती है, गी लिखना है तो ई की मात्रा आती है, घे लिखना है तो ए की मात्रा आती है, और ये गम गम है, ये पांचवा अक्षर जो है उन्हें नाक में बोला जाता है, उसे पंचम अक्षर कहते हैं या अनुनासिके कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नासिक यानी कि नाक, जहाँ नासिक अपना सीटी भी है नासिक, वहां पे शूर्पणखा का नाक कट गया था इसलिए उन्हें नासिक नाम मिला है। तो नाक से ज्यादा करके नाक से आवाज आते हैं, इसलिए ये पंचम वर्ण है। कहाँ से, इन्हें अनुनासिक कहते हैं या पंचम वर्ण कहते हैं। ये इनका उच्चारण करके देखो, ग ज्ञ न न म सब नाक में बोले जाते हैं। इमेज रेशमे को देखा है ना, तेरा 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 सुर से ग ज्ञ न न म ये पंचम अक्षर है। अभी इनको अधूरा क्यों कहा गया है, कि ये स्वरों के बिना अधूरे है, इसलिए इन्हें ऐसा लगने देके लिखा जाता है, अधूरा है इसलिए इसे हल हल भी बोलते हैं, हल हाँ, इसे लंगड़ी मार के लिखा जाता है ऐसा, है ना, डॉट देखे ऐसे लिखे जाते हैं, क्योंकि ये स्वर के बिना अधूरे है, इसलिए अधूरे है इसलिए इन्हें ऐसा लिखा जाता है। अभी आया समझ में, इन्हें ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये स्वर के बिना पूर्ण नहीं होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी ऐसी बनती है, जो वर्ण अधूरे है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण करते समय अपनी जीभ मुंह में किधर ना किधर लग जाती है, उस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अभी इसमें से ड और ध ये स्पेशल है, हाँ देखो इसमें ड और ध लिखने के बाद इनके नीचे बिंदी दी जाती है, उसे नुक्ता कहते हैं, नुक्ता हिंदी में इसे नुक्ता कहते हैं। ड और ढ क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि इनका उच्चार करते समय र मिलाया जाता है उसमें, ड्र ड्र इसलिए उन्हें नुक्ता लगाया है नीचे, ड और ढ वो भी याद रखें। हाँ देखो, ये हुआ स्वर और व्यंजन के बारे में, इनके ये चिन्ह है, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ई की दूसरी मात्रा है, ये उ की पहली मात्रा है, ये उ की दूसरी मात्रा है, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ इसमें और भी आते हैं, इसके स्वर के भेद क्या होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। रू ये ऐ ओ ओ इतना आया समझ में, स्वर और व्यंजन किसे कहा जाता है। अब ये संयुक्त तो स्वर देखते हैं, संयुक्त तो स्वर इन्हें क्यों कहा है, श त्र ज्ञ श्री अल, ल हिंदी में ल को स्थान नहीं था, लेकिन ल के जगह पे ल बोला जाता था, बाला साहब बाल गंगाधर तिलक, लेकिन अभी वो बंद कर दिया है, वो यानी के अल बोलना ही पड़ेगा, बाला
साहेब या बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ना, बाल गंगाधर बाल बाल यानी कि छोटे बच्चे को बाल बोलते हैं मराठी में, बच्चा ओल्डर का उच्चारण करना ही होता है। अभी इन्हें स्वयं संयुक्त स्वर क्यों कहा है, क्योंकि वो दो व्यंजनों से मिलके, दो व्यंजनों की मिलाप से ही बनता है, दो व्यंजनों की मिलाप से कैसे बनता है वो देखना है हमें। तो कौन कौन से वो श, देखो श्र त्रज्ञ श्री और क और श को मिला के, क ये दो व्यंजनों को मिला के क या हल निकाल रहा हूं मैं, क जोड़ श बराबर क्ष बनता है। क्ष कैसे बनता है, क जोड़ क्ष यानी कि ये दोन व्यंजनों को दोन वर्णों को मिला के क्ष बनता है, इसलिए संयुक्त है। संयुक्त यानी कि दोनों का मिलन होके जो बनता है उसे संयुक्त कहते हैं। ये दो मिला के बनता है क्ष। अभी त्र कैसा बनता है, त्र ये जो है त्र दिख रहा है, त्र त्र कैसा बनता, त जोड़ र मिलके बनता है त्र। आज समझ में इन्हें संयुक्त क्यों कहा गया है, तो वो दो दो मिलके दो वर्ण मिलके एक बनता है इसलिए उसे। अभी ज्ञ में क्या क्या मिलता है, द और ज्ञ 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 कैसा बनता है, ज्ञ ज आता है ज उसमें, ज तज्ञ बोलते हैं, तज्ञ 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 ऐसे लिखा जाता है, ज जोड़ न्य, न्य जो है ना ये मिला के बनता है न्य। अरे समझ में, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा गया। अभी श्री श्री कैसे बनता है, श श आधा लिखते श ऐसा, श जोड़ र, श जोड़ र वो बनता है श्री, इसलिए इन्हें कहा है संयुक्त स्वर। हाँ, इतना तो आपके समझ में आया। ये तो हम देख रहे थे बिंदी अनुस्वार और अंग्रेजी इंग्रजी भाषा से अंग्रेज जो मेहमान बन के आए थे, उन्होंने हमारे देश पे 1.5 साल हुकूमत चलाई, हम उनके गुलाम बन गए। तभी वो जाते समय ऐसे ही गए नहीं, हमारे इस हिंदी और मराठी भाषा में दो स्वरादि घुसेड़ के गए हैं। वो कौन सी है, अतिक्रमण, अतिक्रमण उनका हुआ, वो है या और ओ, या और ओ, बैट बॉल डॉल टॉल जो लिखते हैं ना वो है, वो अंग्रेजी भाषा से अपनी भाषा पे प्रभाव डालने वाले है ये, या और ओ अंग्रेजी भाषा से आया है, याद रखो, या और ओ। बॉल लिखते समय बॉल कैसे लिखते हैं हम, बॉल डॉल है ना, डॉक्टर डॉग लिखते हैं ना, जैसे वही अंग्रेजी भाषा से आए हैं ये मेहमान, मेहमान मतलब मेहमान बन के आए और इधर ही रह गए, ऐसे है ये अंग्रेजी भाषा। और अभी देखते हैं अनुनासिक, इन्हें अनुस्वार कहते हैं, जो नाक में ये पंचम वर्ग है, ग ज्ञ न न म जिन शब्दों का, अभी मंत्री मंत्री लिखते कैसे हैं, मंत्री, तो ये बिंदी जो आती है उसे अनुस्वार कहते हैं। और चांद की बिंदी, चांद की बिंदी किधर आती है वो देखना शुरू किया था हमने, चांद की बिंदी किधर किधर आती है। अभी धुआं धुआं धू आ निकाल चलेगा क्या, नहीं धुआं, माँ लिखते हैं माँ, तो ये चांद की बिंदी आती है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। अभी शब्द कैसे बनते हैं, शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य से परिच्छेद कैसा बनता है वो हम अगली तासिका को
देखेंगे। चलो तो आज के लिए इतना काफी है। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल के ले लो, नहीं तो आपने बुक में भी ये है दिया हुआ है। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।